हर हर महादेव, जय बाबा की, जय माता जी की, करौली शंकर महादेव की जय। ये हमारा स्टॉल लग रहा है। आज हम इडली नहीं लेके आए हैं, आज हम लाए हैं पोहा। ये देख सकते हो, ये बाल्टी के अंदर आज हमने बनाया है पोहा। आज फर्स्ट टाइम पोहा बना के हम लाए हैं सेल करने के लिए। फर्स्ट टाइम बना है, लेकिन बाबा ने बहुत बढ़िया बनवाया है। और ये हमारा दरबार, बाबा की कृपा से दरबार के सामने हमें स्टॉल लगाने दिया जाता है। बाबा की असीम कृपा है कि दो घंटे के लिए हमें जगह मिल जाती है। पान को अभी अंदर रखिए, बस दो ही चीज़ें ना, चाय। हाँ, ये हमारा स्टॉल देखिए लगा हुआ है। और ये बाबा के भक्त सुंदर भैया हमारा स्टॉल अब संभालते हैं। तो अभी ये सारा सामान देखो, हम दोनों ही मिल के लेके आए थे। तो अभी यहाँ पर स्टॉल लगा के चाय और पोहा रख दिया गया है। अब देखो, अभी भीड़ कम है क्योंकि दो दिन पहले ही सम्मेलन ख़त्म हुआ है, तो सब अपने अपने घर चले गए हैं। ठंडी भी बहुत थी। देखो बहुत सुंदर यहाँ का नज़ारा है दरबार का। अभी यहाँ पर ना धूप भी निकलना शुरू हो चुका है। धूप दो तीन दिनों से, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, दो तीन दिनों से ना यहाँ पे धूप निकल रही है। नहीं तो धूप अभी पिछले 15 दिनों से नहीं थी, लेकिन अभी सम्मेलन के बाद धूप निकलना शुरू हो चुका है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बाबा की कृपा से अब आज लेट हो गया है, लगभग 10:30-11 बज रहा है। स्टॉल हम लोग लेट लगा रहे हैं। हमारा रेस्टोरेंट जो है ना थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो लोग सोचते कौन उतना दूर जाएगा। तो हम उन लोगों की सेवा के लिए थोड़ा बहुत चीज़ें यहाँ पे ला देते हैं। बाकी जो लोग हमसे प्रेम करते हैं वो तो दूर, कितना भी दूर रहेंगे हम वहाँ तक आ ही जाते हैं मिलने के लिए, और सेवा का मौका भी देते हैं हमें। यहाँ पर आज स्टॉल ना खाली खाली लग रहा है, क्योंकि इडली नहीं लाए ना आज, इडली आज बना नहीं पाए हैं। ठीक, कोई दिक्कत थी, नहीं बना पाए। आज हम पानी का पाउच भी रखे हैं। आप लोग कहते हो ना पानी चाहिए पानी चाहिए, तो पाउच भी आज रखा हुआ है। ये देखिए दरबार कितना सुंदर लग रहा है। भीड़ नहीं है, लेकिन कितना क्लीन। बाबा ने ना दरबार के आसपास पूरा क्लीननेस रखा है। देखो पूरा झाड़ू वाड़ू लगा के इतना साफ सुथरा रखा है ना। बस एक चीज़, बाबा हमारे यहाँ पे अगर बम्पर लगवा देना, चाहे इधर चाहे इधर, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि लोग ना, गांव के लोग इतना स्पीड में जाते हैं दरबार के गेट के सामने से, मज़ा नहीं आता। इसको पोछ पाछ दीजिए। देखो पोहा देखने में तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, स्वाद भी कितना बढ़िया आ रहा है। वाह, जो उसका सुगंध है पोहा का, बहुत लाजवाब है। चाय, देखो पोहा और चाय दोनों रखे हैं, क्योंकि लोग नाश्ते में ये पसंद करते हैं। नहीं, इसको मैं बड़ा मानती हूँ, क्योंकि सबसे पहले बड़ा तो यही था ना, शुरुआत तो इसी से हुई थी ना, टेबल से। इसीलिए बड़ा वाला रेस्टोरेंट यहाँ पे, छोटा वाला यहाँ से 200 कदम दूर है। तो हमारा रेस्टोरेंट पे आज इडली के जगह पे हम लाए पोहा। पोहा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पोहा भी अच्छा लगा, पहली बार बनाए थे ना? हाँ, पहली बार बनाए, पहली बार टेस्ट भी कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगा सबको। पोहा भी अच्छा लगा। और अभी, और हाँ, ये सब तो एक बहाना है पोहा हुआ। यहाँ पे जो सबसे गजब की चीज आपको मिलने वाली है ना, हमारे बाबा की सबसे प्रिय वस्तु पान। इस काउंटर पे आओगे, आपका आना, आपका खाना पीना तभी सफल होगा जब आप ये पान लोगे। क्योंकि बाबा की प्रिय वस्तु अगर आपने नहीं ली तो सब, मैं तो मेरे हिसाब से, आप लोग के हिसाब से क्या है पता नहीं, लेकिन खिलाओ बाबा को पान, जरूर खिलाओ। तो और इतना गजब का पान आपको मिलेगा। तो बाबा ये आए थे, तो सबसे पहले ये आए थे खाने के लिए, लेकिन ये बाबा की कृपा है कि तुरंत पान ले लिए और अपने परिवार को भेज भी दिए। बाबा की कृपा ही, जो
पान ले। बिल्कुल, ये बाबा चाह रहे थे कि आपको पान का भोग लगा के जाओ। अभी जस्ट ये निकल ही रहे थे, निकलने से पहले बाबा को चलो खा भी लिया जाए, खिला भी दिया जाए, फिर जाए जाए। अब इनको हम चाय देने जा रहे हैं, आज चाय भी लाए के रखे हैं। गर्मी बहुत होने लगी है ना, मैं इतना ताम जाम पहन के आई थी ताकि ठंडी लग रही है। लेकिन पाते यहाँ आने के बाद पता चला कि माई जी तो अब यही सेट हो गई है, अपना सारा रेस्टोरेंट वगैरह खोल के बहुत खुशी हुई। सबसे ज्यादा मेरी वाइफ चाहती थी। कुछ नहीं है, सब बाबा ने खोल के दिया है, उनकी आज्ञा होगी, उनकी कृपा है कि हमको इस पवित्र भूमि पे ना रहने को मिलने वाला है। हाँ, भविष्य जी जी, ये इनकी कृपा है, दया है। और संयोग से मुलाकात, एक मुलाकात भी था, आप काफी बिजी थे तब तो हम लोग आपके यहाँ रेस्टोरेंट पर गए, भोजन वोजन किए। अच्छा, भोजन काफी अच्छा लगा। बात नहीं हो पाई तब तक आप कहीं और थे। अभी फिर निकले, जब निकले तो आपको देखे। हाँ। तो मेरी बिटिया कहती है क्या वो माही जी है बैठी है, तब हम अरे हाँ तो आ गई, चलो सबको बुलाते, तब हम फटाफट हमको बुलाए, चलो सबसे मुलाकात हो जाए कम से कम। बहुत इच्छा थे मिल, हम लोग पूर्णिया बिहार से है। हाँ पूर्णिया, हाँ पूरी फैमिली आई हुई है, हम हैं, मेरे सारू जी हुए, हाँ दोनों की फैमिली आई हुई है, इनके बच्चे सब। हाँ दीक्षा उक्षा लेके हम लोग पदयात्रा में थे। हाँ दीक्षा भी लिए, पूरी फैमिली। हाँ सबसे बड़ा काम जो है ना दरबार का, दरबार से जुड़े हो, जो व्यक्ति दीक्षा नहीं लेता उसका सब व्यर्थ में, व्यर्थ में। बहुत भूख लगी थी, कल मेरा निर्जला व्रत था और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं पानी रेस्टोरेंट में पी के आई थी लेकिन भूख बहुत तगड़ी लगी थी, तो अभी ये इतना अच्छा, इतना बढ़िया, इतना गजब का स्वाद आ रहा है ना, सच में बता नहीं सकती। चाय